कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक रेगुलर एक्टिविटी जैसे कि साइकिलिंग, रनिंग, उससे आपके आईटी बैंड यानी लैटरल ऑफ द थाई पे, साइड ऑफ द थाई पे नीच से नीचे तक पेन हो सकता है। अगर आप रेगुलर एक एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज रूटीन कर रहे हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं आईटी बैंड, और आईटी बैंड की टाइटनेस के बारे में आज बताने वाला हूँ। आपको दो एक्सरसाइजेज ऐसे बताऊँगा जिससे कि ये बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे को YouTube पर देख रहे हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे YouTube को दूसरों दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करने भी कह सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेशनल है ये वीडियो। इसमें आप देखेंगे कि कई बार शिकायत ऐसी होती है कि खूब ज़्यादा साइकिलिंग करने के बाद या ज़्यादा एक्टिविटी करने के बाद आपके साइड ऑफ द थाई में पेन होता है। ये साइड ऑफ द थाई पे जो पेन होता है, इसी को हम लोग आईटी बैंड बोलते हैं। आई का मतलब होता है इलियो और टी का मतलब होता है टिबियल। आई फॉर इलियो, इलियो इस बोन को बोलते हैं, इलियम बोन होता है, और टिबिया बोलते हैं हम इस हड्डी को, जो यहाँ से यहाँ तक हड्डी होती है इसको हम लोग टिबिया बोलते हैं। तो ये समझिए कि इलियम से लेकर के टिबिया तक जाने वाली एक थिक सी बैंड होती है, मोटी सी एक बैंड होती है, उसको इलियोटिबियल बैंड बोलते हैं। और ये यहाँ पर आकर के एक पर्टिकुलर एक तरह की कैविटी होती है, फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है, जिसके ऊपर से ये गुजरता है। जो बैंड है इस फ्लूड फिल्ड कैविटी के ऊपर से गुजरता है। तो जब ये टाइट हो जाती है, जो बैंड है टाइट हो जाएगी, तो क्या होगा, इसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन करेगी। फ्रिक्शन होने से यहाँ पर इसमें भी सूजन बनेगी और ये जो फ्लूड फिल्ड सैक है इसमें भी सूजन हो सकता है। तो ऐसे में हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सिमेट्रिकल एक्टिविटी जितना आप कॉन्शियसली कर सकते हैं वो कीजिए। जैसे दोनों पैरों पर इकट्ठे एक साथ ही वजन देके खड़े होइए, जहाँ पर भी एक पैर ऊपर एक पैर नीचे रख करके खड़े होना अवॉइड कीजिए, और रेगुलर जो सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, उस पर आपको वॉक करना चाहिए। रादर देन जैसे रोड्स होती हैं, रोड्स में कभी भी एक किनारे पर वॉक सिर्फ ना करें, आप हमेशा फ्लैट सरफेस चुनें चलने के लिए। अगर एक तरफ चलेंगे तो जो उसका झुकाव होगा, जो एक तरफ अलाइनमेंट होगी वो डिस्टर्ब रहेगी, और एक तरफ टाइटनेस होगी, एक तरफ खिंचाव होगा, तो वो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा आप अपने जब भी एक्सरसाइज वर्कआउट करें तो अगली फिटनेस और एक्सरसाइज में गैप ज़रूर रखें। ये नहीं कि रेगुलर बिल्कुल एक्सरसाइज हम करे चले जा रहे हैं, अपने आप को गैप ज़रूर दें रिकवर होने का। और जो एक्सरसाइजेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर करें रेगुलर तौर पे। दूसरी बात, आपको आईटी बैंड की टाइटनेस होती है और आप पेन में रहते हैं और एक्यूट पेन आता है, तो इनिशियल 72 आवर्स तक आप आइस पैक ले लें। उस आइस पैक को आप इस पूरे आईटी बैंड को, खासकर जहाँ पेन हो रहा है वहाँ पर जो है उसको कम से कम 15 से 20 मिनट्स रखें और 2 से 3 बार रिपीट करें। ऐसा करने से इनिशियली जो स्वेलिंग होगी वो कम हो जाएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर फिर भी आपका पेन ठीक ना हो तो अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक से मिलिए, आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप देख रहे हैं, आप मुझे इस पर कॉल करके बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल ही इस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा और आप अच्छे से आप रिकवर होकर नॉर्मल एक्सरसाइज करने लगेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे इलियोटिबल बैंड को स्ट्रेच किया जा रहा है, और इसके दो तरीके हैं, दोनों एक्सरसाइज वन बाय वन आपको मैं लगा दे रहा हूँ, आप इनको देखते रहिए। और इस चीज़ को आप कम से कम 2 से 3 मिनट करिए और सुबह शाम 2 बार कर सकते हैं, रेगुलर करें। और जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें स्टैंडिंग में करना है। एक जो आप देख रहे हैं तो ब्लू कलर की चीज़ है, वो फोम रोलर थी, और फोम रोलर जो है वो एक फोम की ही बनती है, टाइट सा थोड़ा हार्ड सा फोम होता है, उसको आप सिलेंड्रिकल बनवा करके उससे कर सकते हैं, या इसको आप ऑनलाइन मार्केटिंग से भी इसको आप मंगवा सकते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, किस चीज़ के बारे में और आप मुझसे जानना चाहते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।